Subscribe the channel and click the bell icon to get latest update. हेलो फ्रेंड्स, अमृत दहिया ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अमृत दहिया को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बॉटनिकल गार्डन के बारे में। देखिए, इस वीडियो में जो आपको जानने को मिलेगा वो ये जानने को मिलेगा कि सबसे पहले कि बॉटनिकल गार्डन क्या होते हैं, ये नॉर्मल गार्डन से किस तरीके से अलग होते हैं, बॉटनिकल गार्डन में प्लांट्स जो होते हैं उनकी लेबलिंग जो होती है वो किस तरीके से की जाती है, इंडिया के इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं बॉटनिकल गार्डन कौन कौन से हैं एंड वर्ल्ड के बॉटनिकल गार्डन इम्पॉर्टेंट जो है वो कौन कौन से हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अगर आप देखा जाए तो बॉटनिकल गार्डन की डेफिनेशन तो नहीं पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव वगैरह के अंदर, बट जैसे BSc के एग्जाम में पूछी जा सकती है और अदर जो ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बॉटनिकल गार्डन है इंडिया के एंड वर्ल्ड के वहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको हर्बेरियम के बारे में बताऊंगा क्योंकि बॉटनिकल गार्डन के अंदर हर्बेरियम भी होते हैं तो वो भी लोकेटेड होते हैं। तो हर्बेरियम का जो प्रीवियस वीडियो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसमें देख सकते हैं, बट मैंने वहाँ पर हर्बेरियम के बारे में डिस्कस जो इम्पोर्टेंट हर्बेरियम है इंडिया और वर्ल्ड के उनके बारे में डिस्कस नहीं किया था, बट हाँ इस वीडियो में मैं वो डिस्कस करूँगा साथ ही साथ। तो देखते हैं वीडियो के अंदर क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले बॉटनिकल गार्डन समझने से पहले आप नॉर्मल गार्डन देखिए। हमारे आसपास जो गार्डन होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब वहाँ पर प्लांट्स लगाए जाते हैं, फ्लावर लगाए जाते हैं, फ्रूट्स लगाए जाते हैं, तो इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जो है एस्थेटिक पर्पज आने जाने जो वहाँ पर आते हैं उनको देखने में अच्छा लगे, सुकून मिले, पेड़ पौधों के पास बैठे अच्छी मतलब अच्छा इन्वायरमेंट फील कर सकें, ऑक्सीजन ले सकें, अदर एक्सरसाइज हैं, योगा वगैरह कर सकें, तो वो सब पर्पज होता है, एक हेल्थ के पर्पज से देखा जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल गार्डन होते हैं, बट बॉटनिकल गार्डन जो होते हैं उनका ये जो मीन है, मतलब एस्थेटिक है, हेल्थ का इश्यू है, ये तो है ही, बट साथ ही साथ बॉटनिकल जो गार्डन होते हैं उनका मेन पर्पज है साइंटिफिक स्टडी। ठीक है, वहाँ पर जो प्लांट लगाए जाते हैं वो साइंटिफिक स्टडी के पर्पज से भी लगाए जाते हैं ताकि वहाँ इस तरीके से अलग अलग जगह से वहाँ ला के प्लांट लगाए जाते हैं और उनकी साइंटिफिक स्टडी की जाती है। और अदर जैसे कि आप अगर रिसर्चर हैं, बॉटनी में वर्क कर रहे हैं, कोई प्लांट आपको चाहिए देखना हो किस तरह का होता है तो आप बॉटनी के गार्डन में जाकर देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर प्लांट जो होते हैं उनको ग्रो करवाया जाता है। तो इस तरीके से बॉटनिकल गार्डन क्या है, बॉटनिकल गार्डन वो जगह है जहाँ पर प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है। किस लिए, आपने मेरा पॉइंट सुना कि बॉटनिकल गार्डन वो जगह है जहाँ पर प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है, किस लिए, साइंटिफिक स्टडी के लिए एंड साथ ही साथ जो कॉमन पीपल हैं जिसे लेमेन कहते हैं उनके मतलब उनके एंजॉयमेंट के लिए कि वो देख सकें उन प्लांट को। तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी क्या है बॉटनिकल गार्डन की, कि बॉटनिकल गार्डन क्या है, एन एस्टेब्लिशमेंट है वेयर प्लांट्स आर ग्रोन, ठीक है, फॉर साइंटिफिक स्टडी एंड डिस्प्ले टू द पब्लिक। ठीक है, लोग भी वहाँ आते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं देखने में अच्छे लगते हैं तो लोग भी वहाँ घूमने आते हैं, तो ये बॉटनिकल गार्डन होते हैं। और बॉटनिकल गार्डन का पर्पस क्या है वो आपको बताया, ये पॉइंट आप जरूर याद रखना क्योंकि बॉटनिकल गार्डन में प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है साइंटिफिक स्टडी के लिए और डिस्प्ले टू द पब्लिक। अब जो है वहाँ जो प्लांट्स लगाए जाते हैं, ठीक है, प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है उन पर लेबलिंग की जाती है। देखिए फोटो के अंदर प्लांट पे जो लेबलिंग की जाती है उसमें आप उस पर फैमिली लिखेंगे, उसका साइंटिफिक नेम लिखा जाता है, उसका कॉमन नेम लिखा जाता है कि लोकल में किस नेम से जाना जाता है, साथ ही साथ जो है आप उसकी लोकेशन, आपने उस प्लांट को कहाँ से कलेक्ट किया है वो लिखा जाता है एंड साथ ही साथ कुछ यूजेस जो हैं, अगर कोई मतलब जैसे कि कोई मेडिसिनल यूज है या कोई ऑर्नामेंटल यूज है तो वो जो है थोड़ा बहुत इन शॉर्ट के अंदर आप उस पर लिख सकते हैं। तो ये लेबलिंग की जाती है, इससे क्या होगा आप भी वहाँ जाएंगे तो इजीली जो है प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये है बॉटनिकल गार्डन और वहाँ प्लांट्स को किस तरीके से लेबलिंग की जाती है। अब जो है हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट बॉटनिकल गार्डन इंडिया के। ठीक है, तो सबसे पहले हम बॉटनिकल गार्डन लेके चलते हैं जो कि लार्जेस्ट है इंडिया के अंदर, क्या नाम है, आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन। इससे पहले रॉयल बॉटनिकल गार्डन, फिर इंडियन बॉटनिकल गार्डन और अब जो है प्रेजेंट के अंदर 2009 के बाद में 2009 से इसे आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको जनरली याद रखना ही है। और बाकी इसका जो इसकी स्थापना कह सकते हैं या जो इसका एस्टेब्लिशमेंट था वो 1786 के अंदर हुआ था, हालांकि इसका जो नाम है वो 2009 के अंदर चेंज किया गया है, आचार्य जगदीश चंद्र बोस। आपको पता हो कि आचार्य जगदीश चंद्र बोस कौन है,
ये रेडियो वेव के बारे में इन्होंने वर्क किया था कि रेडियो वेव को किस प्रकार से रिसीव किया जाता है। इन्होंने रेडियो वेव के लिए रिसीवर था वो डेवलप किया था, इसीलिए इनको वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन के लिए जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। इस बॉटनिकल गार्डन है उसकी जो लोकेशन है शिवपुर हावड़ा कोलकाता कोलकाता में है, ठीक है। एंड साथ ही साथ हुगली नदी है, आपको वो भी ध्यान रखना है कि किस नदी के साइड में है ये, हुगली नदी के बारे में, तो हुगली नदी भी आप याद रख सकते हैं। ये लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो होता है वो यहीं से पूछा जाता है कि इंडिया का लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन कौन सा है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, तो वहाँ जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन। सीधा ही आपको कलकत्ता ही चले जाना और कहीं नहीं जाना। अगर आपको बॉटनिकल गार्डन लार्जेस्ट पूछा जाता है, इंडिया का लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन पूछा जाता है, तो आपको कहाँ जाना है, कोलकाता में। कोलकाता के अंदर कहाँ है, शिवपुर हावड़ा, ठीक है। हाल ही में यहाँ पर अभी वेस्ट बंगाल में तूफान आया था, तो कई सारे यहाँ पर बरगद के पेड़ जिसे बनियान ट्री बोलते हैं वो गिर गए थे, तो उसकी वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ इंडिया है। इसका एरिया देखा जाए तो ये 109 हेक्टर के अंदर फैला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ इसका जो सबसे बड़ी कैचिंग पॉइंट है वो क्या है कि लोग यहाँ पर क्यों आते हैं। यहाँ पर एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है जिसे कह सकते हैं द ग्रेट बनियान ट्री है, जिसे बोल सकते हैं हम द ग्रेट बनियान ट्री, ठीक है। इसे ग्रेट इसलिए कहा जाता है, आप इसकी फोटो देखिए आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा, ये लगभग 486 मीटर के दायरे में फैला हुआ है। 486 जो मीटर है उस के दायरे में ये फैला हुआ है, 486 मीटर में, 486 मीटर मतलब लगभग आप देखोगे तो आधा किलोमीटर में आपको देखने को मिलेगा। तो एक पेड़ जो कि आधा किलोमीटर में फैला हुआ है, तो इसीलिए जो है इसे द ग्रेट बनियान ट्री कहते हैं। इसकी स्पेशलिटी देखिए, इसे लार्जेस्ट कैनोपी इन द वर्ल्ड है जो कि 486 मीटर में फैली हुई है। इसकी हाइट जो है 24 मीटर में है, इसके अंदर 2500 एरियल रूट है, ठीक है। अब इनके बारे में मैं बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा सा। कैनोपी का मतलब होता है कि प्लांट का जो एरियल पार्ट होता है, जैसे कि उसकी लीफ है ब्रांचेज है, ये जो एरिया कवर करती है उसे कैनोपी कहा जाता है। तो ये इसका जो फैलाव है, फैलाव जो है वो कितना है, 486 मीटर है, ठीक है। ये लार्जेस्ट है वर्ल्ड के अंदर, इसलिए इसे जाना जाता है। साथ ही साथ जो है इसकी हाइट जो है 24 मीटर है। इसमें एरियल रूट है, जैसे कि आपको पता है कि बनियान जो है, बरगद के अंदर क्या होती है, एरियल रूट बनती है, ऊपर से ब्रांचेज जो होती है, फिर रूट की ब्रांचेज निकल जाती है और नीचे चली जाती है। तो इस तरीके से 2500 एरियल रूट है। इसमें एक पॉइंट मैं आपको और भी बताना चाहूँगा, इसका जो मेन स्टेम है, मेन जो उसका तना होता है, जो मुख्य तना था इसका, वो डैमेज हो चुका है, और डैमेज होने की वजह थी कि इसमें साइक्लोन आया था, और साइक्लोन की वजह से बाद में इन्फेक्शन वगैरह हो गया था, तो उसके वजह से इसका जो मेन स्टेम था, मेन जो ट्रंक होता है वो डैमेज हो गया था। तो अब जो आप देखेंगे इसमें आपको एरियल रूट के बेसिस पे ये जो है जमा हुआ मिलेगा, ठीक है। ये था आप द ग्रेट बनियान ट्री जो है आपको ध्यान रखना है। तो ये काफ़ी अच्छा है, एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कौन से में कहाँ पर है। अब जो नेक्स्ट है वो है फाउंडर, ठीक है। ये मैंने ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू तैयार किया ताकि आप जल्दी से एग्जाम में लिख सकें, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। फाउंडर जो थे इनके कर्नल अलेक्जेंडर किड थे, इनके बाद में आए थे जिन्हें फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कहा जाता है। वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कौन है, ठीक है। एंड डिजाइनर जो हैं जॉर्ज किंग हैं, ठीक है। तो फाउंडर कर्नल अलेक्जेंडर किड हैं और डिजाइनर जो हैं जॉर्ज किंग है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए बॉटनिकल गार्डन जो होता है वहाँ पर हर्बेरियम भी होता है, लाइब्रेरी भी होता है, फोटोग्राफ के भी कुछ हो सकते हैं, अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी कई सारे सेंटर बने होते हैं। तो ये जो बॉटनिकल गार्डन है लार्जेस्ट है, कोलकाता के अंदर है, लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है। साथ ही साथ इस बॉटनिकल गार्डन में लार्जेस्ट, इंडिया का लार्जेस्ट हर्बेरियम भी है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखने, लार्जेस्ट जो है जाते ही आपको, अगर बॉटनिकल गार्डन और हर्बेरियम दोनों में आपको लार्जेस्ट पूछा जाए इंडिया के अंदर, तो आपको सीधा कोलकाता चले जाना है, और कोलकाता के अंदर लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन है। और हर्बेरियम की बात करें तो इसी के अंदर हर्बेरियम लोकेटेड है जिसका नाम है द सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, ठीक है। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम ये जो है लार्जेस्ट है इंडिया का। क्यों है लार्जेस्ट वो देख लीजिए, यहाँ पर आपको 2.5 मिलियन स्पेसिमेन मिलेंगे, ठीक है, ड्राई प्लांट सैंपल जिसे कहते हैं हम, तो वो जो है यहाँ पर आपको कितने मिलेंगे, 2.5 मिलियन। अगर एग्जाम में 25 लाख आता है तो 25 लाख की तरह भी आ सकता है, ये आपको याद रखने।
एक डेटा याद रख लीजिए, बस 2.5 मिलियन या 25 लाख, दोनों में से कोई भी जो भी आप याद रखना चाहें। एंड लास्ट पॉइंट इसका यह है कि इसी बॉटनिकल गार्डन के अंदर ही BSI बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर होने की वजह से ही इस हर्बेरियम को द सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कहा जाता है कोलकाता, ठीक है। और कोलकाता कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। तो ये थे कुछ फैक्ट बॉटनिकल गार्डन से जुड़े हुए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। अब जो है अदर बॉटनिकल गार्डन है उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। ये देखिए नेशनल बॉटनिकल, पहले वाला था क्या, आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन। इसी तरीके से यहाँ पर ध्यान रखना है आपको नेशनल बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। यहाँ पर नेशनल बॉटनिकल गार्डन है और ये कहाँ है, लखनऊ के अंदर है। वैसे देखा जाए तो याद रखने वाली चीज़ें बस लोकेशन के, आपको नाम देख के लोकेशन पूछी जा सकती है। तो नेशनल बॉटनिकल गार्डन जो है वो कहाँ है, लखनऊ में, ठीक है। और इंडियन बॉटनिकल गार्डन नाम दिखे बीच में तो वो जो है कोलकाता के अंदर है, और नेशनल बॉटनिकल गार्डन जो है वो थोड़ा सा सेंटर में आ जाना लखनऊ के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसे सिकंदराबाग नाम से भी जाना जाता था, पुराना नाम है इसका, ओल्ड नेम है, रिवर गोमती के किनारे बसा हुआ है। इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली ये है कि इसका अंदर हर्बेरियम है, ठीक है। ये जो हर्बेरियम है उसकी अगर देखा जाए तो ये क्या है, 1 लाख स्पेसिमेन है यहाँ पर, और इसे जो है नेम जो है इसका इसी तरीके से नेशनल बॉटनिकल गार्डन के नाम से ही है हर्बेरियम का, ठीक है। और हर्बेरियम जो है वहाँ पर स्पेसिमेन ध्यान रखने, उसमें कितने थे, 25 लाख थे कोलकाता वाले में, इसमें जो है 1 लाख स्पेसिमेन है, ठीक है। इसी तरीके से बॉटनिकल गार्डन है ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, ठीक है। यहाँ पर जो हर्बेरियम है इसके अंदर 3 लाख स्पेसिमेन है, ठीक है। तो ये आपको स्पेसिमेन जो है डायरेक्ट क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हर्बेरियम, आगे लिखा होगा FRI हर्बेरियम देहरादून, या तो आपको FRI हर्बेरियम डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कहाँ है, तो आपको आंसर करना देहरादून। फिर पूछा जाता है FRI रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में कितने स्पेसिमेन है, तो वहाँ ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो ये हर्बेरियम के स्पेसिमेन है वो आपको याद रखने, और हर्बेरियम लोकेटेड कहाँ है वो ध्यान रखना है, ठीक है। दो पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखने, बाकी जो है बॉटनिकल गार्डन है दोनों, एक तो यहाँ पर लालबाग या जिसे मैसूर स्टेट बॉटनिकल गार्डन कहा जाता है, ये कहाँ है, बेंगलोर के अंदर है, ठीक है। और इससे जो है सुल्तान हैदर अली जो है, जो टीपू सुल्तान के फादर है, उन्होंने बनाया था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एंड ललॉयड बॉटनिकल गार्डन जो है वो दार्जिलिंग के अंदर है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया बॉटनिकल गार्डन के अंदर आपको लोकेशन जो है, कौन सा बॉटनिकल गार्डन कहाँ लोकेटेड है ये पता होना चाहिए। अगर उसमें हर्बेरियम है तो हर्बेरियम के अंदर कितने स्पेसिमेन है वो ध्यान रखने, 3 है मेनली हमारे पास, तो कोलकाता के अंदर 25 लाख हैं, लखनऊ वाले के अंदर 1 लाख हैं, और जो हमारे पास में FRI वाला है उसके अंदर 3 लाख है स्पेसिमेन। तो इस तरीके से इजीली याद हो जाएगा। तो लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन कोलकाता वाला ही है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, और जो हमारे पास में हर्बेरियम है वो भी लार्जेस्ट कहाँ है, कोलकाता की। तो कोलकाता के अंदर बॉटनिकल गार्डन और हर्बेरियम दोनों ही लार्जेस्ट इंडिया के लार्जेस्ट जो है वो दोनों ही कोलकाता के अंदर हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और वहाँ पर वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और हर्बेरियम के अंदर कितने स्पेसिमेन है ये भी याद रखना है। अब हम वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड में बॉटनिकल गार्डन देखिए वैसे तो बहुत सारे हैं, बट ज़्यादा हमें इतना डीप में नहीं जाना, क्योंकि एग्जाम में भी हमें ज़्यादा नहीं लिखना होता, एग्जाम में हमें इतना पूछा भी नहीं जाता। और अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, तो उसके अंदर मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड की है हर्बेरियम की, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड जो है वहाँ पर स्पेसिमेन कितने, जितना आप याद रख सकें, बाकी इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है कि रॉयल बॉटनिकल गार्डन है, ये इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड के अंदर और लार्जेस्ट है। इसी तरीके से यहाँ पर जैसे कोलकाता के अंदर बॉटनिकल गार्डन भी लार्जेस्ट है, हर्बेरियम भी लार्जेस्ट है, इसी तरीके से ये जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन है क्यू लंदन UK के अंदर, तो ये जो है बॉटनिकल गार्डन भी लार्जेस्ट है, हर्बेरियम भी लार्जेस्ट है, दोनों ही लार्जेस्ट यहीं मिल जाएंगे आपको। तो बॉटनिकल गार्डन भी ये वर्ल्ड में लार्जेस्ट है, और हर्बेरियम भी जो है लार्जेस्ट है, और हर्बेरियम में स्पेसिमेन कितने जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ये है 6.5 मिलियन, 65 लाख, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से एक हर्बेरियम और भी ध्यान रखना चाहते हैं, कोमोरो हर्बेरियम है जो कि रसिया के अंदर है, वो भी आप ध्यान रख सकते हैं, वहाँ पर 50 लाख जो है स्पेसिमेन है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप
इनको कवर कर सकते हैं। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन एंड इंपॉर्टेंट हर्बेरियम, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो इसी के साथ में वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, एंड साथ ही साथ जो है वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ में थैंक यू, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, बाय बाय।